क्षेत्र में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है। देर रात मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बात करें श्री कृष्ण के गांव नंदगांव की, तो यहां आज देर रात ब्रज के कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए श्री कृष्ण के घर नंद महल में तैयारियां बड़े ही धूमधाम से हो रही है। विधि विधान के साथ में ब्राह्मण मंगल पाठ करके, गायन करके यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। भारतवर्ष में और ब्रज मंडल में 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई गई है और हमारे नंदगांव में अलग तरीके से ही ठाकुर जी का जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? हमारे नंद बाबा मंदिर में, ठाकुर जी के घर में तिथि को मान्य नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन है, जिस दिन बहने अपने भाइयों को राखियाँ बांधती हैं, उस रक्षाबंधन से 8 दिन बाद ठीक ठाकुर जी की जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। देखिए ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूरी तैयारियां लगभग हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि मथुरा की, तो मथुरा में देर रात श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक विधि विधान के साथ पूरा हो चुका है। श्री कृष्ण प्राकट हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें श्री कृष्ण के गांव की, जहां पे श्री कृष्ण का अपना बचपन बीता, हम बात कर रहे हैं नंदगांव की। नंदगांव में कुल गिनती के अनुसार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और वहीं जन्मोत्सव की अगर हम बात करें तो यहां पे ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। महल में नंद बाबा का यह महल बहुत ही प्राचीन बताया जाता है और यहाँ पे ही श्री कृष्ण का पूरा बचपन बीता और इसी जगह पे, इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की और यहाँ पे विधि विधान के साथ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही हैं। और आज रात यानी कि 8 सितंबर की रात को श्री कृष्ण नंदगांव में जन्म लेंगे और कल की रात श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और आज की रात नंदगांव में जन्म लेंगे और विधि विधान के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदगांव में कराया जाएगा, जिसको देखने के लिए देश दुनिया से हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और ब्रज भूमि की यही खासियत है कि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ब्रज में ही नहीं, समूचे भारत वर्ष में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें ब्रज के कन्हैया की, तो यही एक खास बात है कि ब्रज के काना को भारत वर्ष की हर माता अपने बेटे को काना मानती है। सुमित सोत्री है, जन टीवी, नंदगांव।